आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 95 सीटों पर हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाओं के बावजूद पड़े वोट। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर फिर हमला, हमने एयर स्ट्राइक की तो चोट वहां लगी लेकिन दर्द यहां हुआ। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंका, जूता फेंकने वाला है कानपुर का डॉक्टर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुद को बताया निर्दोष, कहा दिग्विजय सिंह के कुकर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण हूं मैं। और एमपी के खेल मंत्री जीतू पटवारी का बयान, मोदी जी जा रहे अच्छे दिन आ रहे। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार को 13 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सुबह से दोपहर तक हिंसा की घटनाओं के बावजूद लोगों ने जमकर मतदान में भाग लिया। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 13 राज्यों की 95 सीटों के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही आम के साथ वीवीआईपी भी वोट डालने पहुंचे। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन के अलावा कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, पश्चिम बंगाल की 3, असम की 5, मणिपुर की 1, ओडिशा की 5, त्रिपुरा की 1 और पुंडुचेरी की 1 सीट शामिल है। तमिलनाडु, मणिपुर, त्रिपुरा और पुंडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल से हिंसा की कई खबरें आईं। पश्चिम बंगाल में दोपहर 1 बजे तक हिंसा के बावजूद 51.60% मतदान हुआ। हालांकि चोपड़ा में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में ईवीएम को नुकसान पहुंचाने की खबर है। मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के रायगंज में जहां एक न्यूज चैनल के पत्रकार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कर घायल कर दिया, वहीं सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के वाहन को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद इलाके में पुलिस ने मौका संभालते हुए उपद्रव करने वालों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों कांकेर, राजनांदगांव व महासमुंद में बड़े ही उत्साह के साथ मतदान हुआ। हालांकि कांकेर सीट की कई बूथों में ईवीएम में खराबी के चलते मतदान घंटे भर विलंब से शुरू हुआ। इसके बावजूद सभी जगह मतदान के सुचारू रूप से चलने की जानकारी मिली। मतदान 7 बजे से शुरू होना था लेकिन लोग आधे पौने घंटे पहले से ही बूथों तक पहुंच गए थे। मतदान शुरू होने के पहले से ही कई बूथों में तो लंबी कतार लग गई, जो मतदान समाप्त होने तक कई जगह देखी गई। कांकेर शहर के भंडारी पारा मतदाताओं की लंबी कतार केंद्र के बाहर लगी रही। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिहावा विधानसभा के रतावा व विरना सिल्ली बूथों में ईवीएम के तकनीकी खराबी से मतदान में विलंब हुआ। मतदान केंद्रों पर बने सेल्फी जोन को लेकर भी मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र किया और कहा, आज पाकिस्तान दुनिया में जाकर चिल्ला रहा है बचाओ, ये मोदी मारता है। कांग्रेस जेडीएस कह रही है कि चुनाव में बालाकोट का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, इससे हमारा वोट बैंक प्रभावित होता है। मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ कि इनका वोट बैंक बालाकोट में है या बागलकोट में। पीएम मोदी ने कहा, जब हमने एयर स्ट्राइक की तो चोट वहां लगी लेकिन दर्द यहां हुआ था। तब तो शुरू में लोग कह रहे थे कि बालाकोट हिंदुस्तान में है, सारे कह रहे थे कि मोदी झूठ बोल रहा है, कोई कह रहा था कि कहीं बागलकोट में तो ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की मजबूर सरकार के दौरान पाकिस्तान खुलेआम कहता था कि मेरे जिहादी हैं, कर लो, क्या कर सकते हो। कांग्रेस की मजबूर सरकार रोती फिरती थी। 2014 में जो मजबूत सरकार आपने बनाई उसका परिणाम है कि आज हम पाकिस्तान के भीतर जाकर आतंकियों को मारते हैं और पाकिस्तान रोता फिर रहा है। कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे, खुद भी वोट दीजिए और दूसरों को भी वोट देने के लिए लेके जाइए, और आपका एक एक वोट इस चौकीदार के खाते में ही जाएगा। आज मैं यहां से बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी कहूंगा कि वो पूरी शक्ति से
पूरी जी जान से काम में लग जाए, उनकी तपस्या ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग पहले 12 सिलेंडर के नाम पर वोट मांगते थे, लेकिन हमने इस लिमिट को ही खत्म कर दिया। मुंबई हमले के बाद पिछली सरकार बस इससे खुश थी कि वह पाकिस्तान के नागरिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत ने विकास और आत्मविश्वास की जो भी सीढ़ियां चढ़ी हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद है। मोदी ने सिर्फ आपके सेवक के नाते, आपके चौकीदार के नाते अपना काम किया है। उन्होंने कहा कि मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो दिल्ली की तरफ देखो, मजबूर सरकार क्या होती है अगर वो देखना है तो बेंगलुरु की तरफ देखो। दिल्ली में बीजेपी सांसद और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा अपने साथियों के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय उन पर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाला शख्स कानपुर का बताया जा रहा है, जिसका नाम शक्ति भार्गव है। राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने नेताओं पर जूता फेंकने की कोशिश की। घटनाक्रम तब का है जब भाजपा सांसद और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जूता फेंकने वाला शख्स कानपुर का बताया जा रहा है, जिसका नाम शक्ति भार्गव है। वह पेशे से डॉक्टर है। वहां मौजूद लोगों ने भार्गव को पकड़कर पीट दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से जुड़ी राजनीति पर की जा रही थी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का, खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम, हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस है, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की, सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्मसम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का। नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का। किताबों के बीच करवटे लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं। हम प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं, बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब
मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं जिन पर दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद का आरोप लगाया था। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कहना है, भगवा आतंकवाद को व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं लेती। इनके भगवा आतंकवाद कहने से हिंदू आतंकवादी नहीं हो जाता। इनके कुकर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण हूं मैं। मुझे एनआईए ने क्लीन चिट दी है। सन्यासी भगवा पहनते हैं और राष्ट्र ध्वज में जो त्याग का प्रतीक माना जाता है वो इनके कहने से खत्म नहीं हो गया। अगर हिंदू आतंकवादी हो गया तो विश्व में बचेगा क्या? शांति लेकर कौन आएगा? ऐसी कुसंस्कृति फैलाकर किस तरह समाज को मुंह दिखा रहे हैं? समाज इन्हें जवाब देगा। जो लोग सेना पर सवाल खड़ा करते हैं उनके हाथों देश सुरक्षित नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो देश द्रोह करते हैं। देश की सीमा और धर्म सुरक्षित है तभी हम राष्ट्र धर्म के कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। क्या है ये परिभाषाएं कांग्रेसी बहुत भिन्न प्रकार से देते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने भगवा आतंक कह दिया, इसका मतलब सन्यासी खत्म हो गए। राष्ट्रीय ध्वज में जो त्याग का प्रतीक माना गया भगवा, वो खत्म हो गया। देश से त्याग खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, ये वो मानते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार करके भगवा को आतंकवाद सिद्ध करना चाहा, इसलिए कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो आज वो निष्कंटक अपनी बात कह सकते थे और राज्य कर सकते थे। इसी प्रकार से उन्होंने हिंदुत्व को कहा कि हिंदुत्व आतंकवादी होता है, हिंदू आतंकवाद होता है। तो हिंदू आतंकवाद अगर हो गया तो विश्व में बचेगा क्या? शांति लेकर के कौन आएगा? जबकि भारतीय संस्कृति इतनी विस्तृत है, सनातन संस्कृति इतनी विस्तृत है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। तो इतनी संवेदनशील, इतनी सुसंस्कृत जो संस्कृति है उसके ऊपर कुठारा घात करके आज ही समाज को अपना किस प्रकार से मुंह दिखा रहा है, ये मुझे विचारनी है। ये समाज इसको जवाब देगा। ऐसे ही ये जो विकास का मुद्दा है, मैं कहती हूँ कि अगर आपका देश सुरक्षित है, सेना निश्चित रूप से देश की रक्षा कर, सैनिक देश की रक्षा कर पा रहे हैं, सभी अपना अपना जीवन सुव्यवस्थित जी पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा देश सुरक्षित है। जब ये सब नहीं होता है तो हमें मानना पड़ता है कि हमारी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसे देशघातियों के बयानों से जब हमारे देश के दुश्मन देशों के को बल मिलता है तो ये राष्ट्रघात होता है, ये राष्ट्रद्रोह होता है, और इस राष्ट्रद्रोह को करने वाले राष्ट्रद्रोही होते हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं मानती इसको, मेरा जीवन ही व्यक्तिगत नहीं है। इदम राष्ट्रा इदम नमम, ये मेरा जीवन है। मैंने मेरे ऊपर इन्होंने क्या आरोप लगाए कि मैं एक आतंकवादी हूँ, भगवा आतंकवादी हूँ। क्या ये व्यक्तिगत प्रश्न है? नहीं, हिंदू आतंकवादी व्यक्तिगत बात ही नहीं है। प्रताड़नाएं निश्चित रूप से एक शरीर को सहन करनी पड़ी, निश्चित रूप से एक नहीं, ऐसे देशभक्त कई लोगों को प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ी। वो व्यक्तिगत कष्ट राष्ट्रभक्त सहन कर लेते हैं, पर वो महसूस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो बड़ा होता है, देश हितार्थ होता है। और इस प्रकार से जो कार्य करते हैं, इस प्रकार के जो बयान देते हैं, ये देशद्रोह में आता है। और हम लोग इसको, इनकी प्रताड़नाओं को, इनके कथनों को, इनके बयानों को, इनके कर्मों को, सबको हम हंस करके झेल जाते हैं, स्वयं कष्ट पी करके, उस विष को पी करके हम समाज को अमृत देते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम तभी विकास कर सकते हैं जब हमारा देश स्वतंत्र हो, जब हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हो, देश सुरक्षित हो, और उसके बाद धर्म सुरक्षित हो, तब हम अपने राष्ट्र धर्म के कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। प्रज्ञा ने अपनी आपबीती बताते हुए कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया। कहा, कांग्रेस ने महिला शरीर को प्रताड़ना दी, पुरुषों से पिटवाया, यहाँ तक कि मरवाने का प्रयास किया, मगर मैं बच गई, ईश्वर का वरदान है। यह सब कानून का दुरुपयोग कर मेरे साथ किया, संविधान का मजाक बनाया, इनके कुकर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ मैं। जो प्रताड़ना है व्यक्तिगत मेरे शरीर ने सहन की है, और जिन्होंने इन्होंने पूरे कांग्रेस के जो यूपीए के जो षड्यंत्र थे उनके द्वारा ये जो स्थापित किया गया
इन्होंने कभी ये विचार भी नहीं किया था एक महिला शरीर है और इसको इतनी प्रताड़नाएं देना। उन्होंने तो खैर मारने का प्रयास किया पर वो नहीं मरे, हम ये ईश्वर का वरदान है, परंतु ये तो उससे बौखला गए। हम ये चाहते हैं कि फिजिकल और मेंटली और सब प्रकार से उन्होंने टॉर्चर किया है, सब प्रकार से प्रताड़नाएं यातनाएं दी हैं, भयावह यातनाएं दी हैं, किंतु अब हम चाहें, और इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया, संविधान का मजाक बनाया है, इसलिए गैर कानूनी कार्य करते हुए पुरुष मुझे गैर कानूनी इन्होंने मुझे रखा और पुरुषों ने पीटा, ये क्या कानून का विरोध नहीं है? मुझे 13 दिनों तक गैर कानूनी तरीके से इन्होंने रखा, क्या ये विरोध नहीं है? उसके कानून का विरोध नहीं किया इन्होंने, कानून के गैर कानूनी गतिविधि की है, इस प्रकार से दंड के पात्र ये हैं, फिर भी ये राजनीति कर पा रहे हैं, समाज के सामने जा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें समाज को अभी जागृत करने का अवसर नहीं मिला है। अब ये जागृत करने का अवसर आया है तो इनको तकलीफ हो रही, क्योंकि इनके कुकर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रज्ञा ने कहा, मुझे कैंसर है, मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज कर दी गई, मेरी जमानत नहीं होने दी जा रही थी, इन्हीं की बनाई संस्था NIA ने मुझे क्लीन चिट दी है, मैं निर्दोष हूँ। साध्वी ने कहा, जब समाज जाग जाएगा तो फिर मैं समाप्त हो जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कैंसर के होने के बावजूद भी मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी इन्होंने डैमेज की है, आज मैं सिर्फ अपने आत्मबल के और साइंस के थोड़े प्रयोग के कारण मैं रुकी हूँ, मतलब थोड़ा सा जो चल पा रही हूँ, मैं कितना कष्ट अकेले में सहन करती हूँ पर समाज के सामने नहीं लाती हूँ, ये इनके कारण होता है, और ये सब किसके कारण है? कांग्रेस के कारण, ये समाज का जागरण है। MP के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने BJP पर निशाना साधा और कहा, जब से कांग्रेस ने पूरे 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उसके बाद लोगों में सकारात्मक बदलाव आया है। वहीं BJP के उम्मीदवारों का चयन सांसदों के टिकट काटने से साबित होता है कि उनके सांसदों ने काम ही नहीं किया। खेल और युवक कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, कई सीटों पर हमारी जीत साफ नजर आ रही है, कांग्रेस हर सीट पर फाइट कर रही है, यानी मोदी जी जा रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, मैं दावा करता हूं जबलपुर इंदौर भोपाल सहित कई जगह हम जीतेंगे। BJP ने टिकट बंटवारे में इस बात का ख्याल रखा है कि किस तरह बंटवारा हो कि किस तरह द्वेष फैले। BJP राष्ट्रवाद के कवच के पीछे छुपकर चुनाव लड़ना चाहती है। जिस प्रकार से प्रत्याशी सारे घोषित हुए, लगभग हर संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतने की ओर दिखता है, सर्वे भी बताते हैं, आप लोगों की खासकर मीडिया जगत की धारणा भी ऐसी बनती जा रही है। 2 सीट थी हमारे पास पिछले आम चुनाव में, अब हर सीट पर मुकाबला कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका मतलब है कि मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। पटवारी ने कहा, इस बार पूरी 29 सीटों पर हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश में सरकार ने बहुत बेहतर काम किए हैं, इसीलिए जनता मतदान के दिन इस बात का ख्याल रखेगी। जनता से आवाहन करता हूं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। पटवारी ने कहा, दिग्विजय सिंह अपने सिद्धांतों पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, वे राजनीतिक संत हैं, उनकी ख्याति देश दुनिया में है। BJP उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों की बात करने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि रोक दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुख्यमंत्री काल में किसानों के पास खुद जाकर किसानों का हाल जाना है। कमलनाथ इधर उधर की राजनीति करने की बजाय किसानों का हाल जाने। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों की हालत बिगड़ रही है, किसानों की फसलों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसान लाइन में खड़े हैं, किसानों के पसीने की कीमत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुख्यमंत्री काल में किसानों के पास खुद जाकर किसानों का हाल जाना है। कमलनाथ इधर उधर की राजनीति करने के बजाय किसानों का हाल जाने। प्रधानमंत्री सारे देश के हैं और 130 करोड़ जनता को वो प्यार करते हैं, लेकिन घटिया राजनीति और घटिया मानसिकता के चलते भेदभाव का आरोप लगाया गया। कमलनाथ ये नहीं जानते कि केंद्र से सहायता लेने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। शिवराज सिंह ने कहा कि पूरे भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, NDA की पहले से ज्यादा सीट आएंगी और भारी बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनेगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का। खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम। हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस है, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की, सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्म सम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का। नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का, किताबों के बीच करवटे लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं। हम प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं, बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक माँ अपने 15 दिन के बच्चे को झाड़ियों में छोड़कर चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चा छोड़कर जाने वाली महिला की तलाश शुरू कर दी है। ये मामला रतलाम का है। रतलाम जिले की जावरा तहसील के ग्राम ढोडर मोया खेड़ा में एक मां ने ममता को कलंकित कर दिया। खून के रिश्तों को एक तरफ रखकर मां ने अपने 15 दिन के बच्चे को मरने के लिए झाड़ियों में छोड़ दिया। समय रहते राहगीर राम सिंह गुर्जर वहां से गुजर रहा था। उसने बालक के रोने की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस बच्चे को उठाकर चौकी लाई और तुरंत बच्चे को एम्बुलेंस के द्वारा शासकीय अस्पताल भेजा। ढोडर पुलिस चौकी प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग अधिकारी को भी इस बारे में जानकारी दी गई और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना शुरू कर दी गई है। दोपहर को 3 बजे राम सिंह निवासी रणारा गुर्जर खबर आके दी थी हमको। मैं घर से रोड तरफ आ रहा था, तभी मोयाखेड़ा रोड पर बगल में झाड़ियों के पास उसे कोई बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उसने देखा कि एक नवजात शिशु है, करीब 10 से 15 दिन की उसकी एज होगी, रो रहा है। उसने चौकिया की सूचना दी है।
उसको हमने एम्बुलेंस से जावा हॉस्पिटल भेजा है इलाज वगैरह के लिए, बच्चा फिलहाल अभी हॉस्पिटल में। सीहोर के बुधनी में पुलिस ने 15 लाख का क्रिकेट सट्टा पकड़ा और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खेत में चल रहे इस सट्टे में 35 मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी सेटअप बॉक्स तथा 15 लाख रुपए से ज्यादा की लिखा पढ़ी के कागजात बरामद किए। बुधनी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक खेत में चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच का सट्टा रैकेट पकड़ा। मौके से पुलिस अमले ने 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान मौके से आरोपियों के पास से 35 मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी सेटअप बॉक्स तथा 15,80,235 रुपए का लेखा जोखा जब्त किया गया। साथ ही इन आरोपियों के पास से नकदी 5,000 रुपए भी जब्त किए गए। जो रॉयल चैलेंज और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच जो मैच चल रहा था उसका सट्टाबाजी ऑनलाइन करते हुए इन्होंने बड़े ग्रोह को पकड़ा है, जिसमें यहाँ से कुछ दूर एक चखेड़ा गांव है, वहाँ पे एक खेत में बनी टपरिया में कुछ लोग अपनी सिस्टम के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे जो भी जो उनके उपयोग किए जाने वाले हैं सभी आइटम के साथ में वहाँ पे सट्टा खिला रहे। ऐसी सूचना मिलने पर ये अपने समस्त जो भी कनिष्ठ अधिकारियों के साथ और स्टाफ के साथ मौके पर पहुँचे, घेराबंदी करके उनको पकड़ा और पकड़ने पे वहाँ पे 5 लोग मिले और ये देखा कि सट्टाबाजी करते हुए ऑनलाइन पकड़े गए। मुखबिर की सूचना के बाद बुधनी पुलिस ने ग्राम ऊंचा खेड़ा में महेश पटेल के खेत में बनी टपरी की सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर क्रिकेट पर लगा रहे सट्टे के आरोपी सचिन प्रकाश, प्रदीप राय, राजेश, अनिल सोनाने और आईपीएल क्रिकेट राजस्थान रॉयल एवं किंग्स इलेवन पंजाब के मैच में रन ओवर, चौके, छक्के एवं विकेट पर रुपया पैसे से हार जीत का दावा लगाकर सट्टा खिलाते पाया गया। अब पुलिस इनके वे तार कहां कहां जुड़े हैं इसकी तफ्तीश में जुटी है। फिलहाल सट्टा एक्ट के तहत 5 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी वीडी शर्मा ने आज से खजुराहो क्षेत्र में चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने खजुराहो पहुंचते ही मंगतेश्वर शिव मंदिर में पूजा पाठ कर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि हम महलों में घुसकर बैठने वाले नहीं हैं। मैं किसान का बेटा हूं, पूरी मेहनत के साथ क्षेत्र का विकास करूंगा। खजुराहो जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में पर्यटन की और अधिक क्या संभावनाएं और विकास हो सकता है, इस पर भी काम करेंगे। टिकट घोषणा के बाद हो रहे पार्टी विरोध पर उन्होंने कहा कि सब हमारे भाई बंधु हैं, रूठों को मना लेंगे। सभी कार्यकर्ता और नेता पूरी मेहनत के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बीजेपी को कैडर बेस पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी राजा महाराजाओं की पार्टी नहीं है। सारे मेरे स्नेही लोग हैं जिनसे जिनने मेरे साथ काम किया है, इसी क्षेत्र में किया है, कंधे से कंधे मिलाकर के किया है, संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं। खजुराहो तो इसलिए क्या होता है, मनुष्य है, कभी कभी चीजें हो जाती हैं। एक सवाल सर, दो भाई भी आपस में घर में कभी ऐसे हो जाते हैं, हम बिल बैठ करके हम सब लोग एक टीम के साथ हम काम करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस लोकसभा के अंदर टीम भाव के साथ हम इस चुनाव को प्रचंड बहुमत से इतिहास बना करके जीते। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का, खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम, हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस हैं, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की, सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्मसम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की।
अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की। हर गांव, हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का। नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का। किताबों के बीच करवटे लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं। हम प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बाद आपका स्वागत है। महावीर जयंती के अवसर पर सीहोर में दिगंबर जैन समाज ने अपने आराध्य भगवान महावीर का एक आकर्षक चल समारोह निकाला। इस अवसर पर 100% मतदान के लिए जैन समाज ने शपथ ली। सत्य अहिंसा के प्रणेता भगवान महावीर की जयंती पर लोकसभा निर्वाचन में मतदाता जागरूकता के लिए अनूठा प्रयास किया गया। महावीर जयंती के चल समारोह में शामिल पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को अधिक से अधिक मतदान करने की सामूहिक शपथ दिलवाई गई। सीहोर के सर्वाधिक व्यस्त कोतवाली चौराहे पर इस सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह के अनूठे अंदाज को देखकर मार्ग में चल रहे नागरिकों ने भी वहां खड़े होकर अधिक से अधिक मतदान करने का संकल्प लिया। इस चल समारोह में जैन समाज के मुनि समेत जिले भर से आए जैन धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। नहीं, बहुत खुशी हूं मैं और जैन समाज के साथ साथ आज इस महान महावीर जयंती के महान पर्व पर सभी नागरिकों से यह अपील करता हूं कि आज हम ये संकल्प लें कि अपने मतदान का हम उपयोग करें और मतदान अवश्य करें और जनतंत्र के इस महान पर्व में लोकतंत्र को मजबूत करें अपना मतदान। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चौकीदार चोर हैं शीर्षक से प्रस्तुत किए गए विज्ञापन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएल कांताराव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रोक लगाते हुए अनुमतियों को निरस्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विज्ञापन के प्रसारण को रोकने की अपील की थी। भाजपा की ओर से शांतिलाल लोढ़ा ने इस विज्ञापन पर आपत्ति उठाई थी कि विज्ञापन में अपमानजनक और व्यक्ति को बदनाम करने वाली भाषा का उपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चौकीदार के नाम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध हैं, जिन्हें विज्ञापन में चोर बताया गया है, जो अपमानजनक है। किसी भी विज्ञापन में किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम से आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं, यह संविधान का भी उल्लंघन है। विज्ञापन से प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय को ठेस पहुंची है। कांग्रेस ने यह भी नहीं बताया कि चौकीदार चोर से आशय उनका किस व्यक्ति से है, इसीलिए विज्ञापन को निरस्त किया जाए। भाजपा की आपत्ति पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने यह तर्क दिया था कि चौकीदार चोर है से आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है। हालांकि वे ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनका आशय किस से है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष बीएल कांताराव ने संबंधित ऑडियो और वीडियो विज्ञापन को किसी भी माध्यम से
प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दी है। उन्होंने इन्हें जमा करवाने का आदेश देने के साथ यह भी कहा है कि राज्य स्तरीय विज्ञापन प्रमाणन समिति ने जो विज्ञापन आदेश जारी किए थे उनको निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट होने पर अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। सीहोर के भोपाल इंदौर बाईपास पर सड़क हादसे में इंदौर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक महेश झा की दर्दनाक मौत हो गई। झा की कार एक ट्रक से टकरा गई थी। सोया चौपाल चौराहे के पास हुए एक सड़क हादसे में इंदौर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक महेश झा की मौत हो गई। झा इंदौर से भोपाल कार को ड्राइव करके ले जा रहे थे, तभी भोपाल इंदौर बाईपास पर सोया चौपाल चौराहे के पास हुए एक सड़क हादसे में उनकी कार की टक्कर प्याज से लदे ट्रैक्टर से हो गई। आमने सामने की भिड़ंत में घटना स्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद सीहोर और इंदौर से आबकारी विभाग के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इंदौर में पदस्थ मृतक आबकारी उप निरीक्षक महेश झा मूलतः टीकमगढ़ के रहने वाले थे। शव को उनके गृह नगर टीकमगढ़ रवाना किया गया है। महेश कुमार झा हमारे आबकारी विभाग इंदौर में पदस्थ हैं, आबकारी उप निरीक्षक के पद पर हैं और अपने भोपाल से ये इंदौर के लिए रवाना हुए थे, क्योंकि इनके साथ में और कोई नहीं था, अकेले स्कॉर्पियो वहाँ से ये थे और रात 12:30 करीब बाईपास रोड पर इनका एक्सीडेंट हुआ है, जिससे इनका डाइवर्सन हो गया है और इसी की कार्रवाई के लिए इनको जिला अस्पताल में ला करके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है और हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। इंदौर से भी स्टाफ आ चुका है, विश्वकर्मा जी और भी अन्य स्टाफ आ चुका है और ये कार्रवाई अभी जारी। मंदसौर की 60 वर्षीय सुगंधा देवी गंधर्व 5 अप्रैल से पहले तक सामान्य जीवन जी रही थी और घर में ही गीत गुनगुनाती रहती थी, पर उस दिन अचानक यह हुआ कि दादी को गीत गाते देख पोते ने वीडियो बनाया और फेसबुक पर वायरल कर दिया। इसके बाद से तो वे स्टार बन गई। 12 दिनों में उनके गीत को सोन निगम, दिलर मेहंदी, शंकर महादेवन सहित कई दिग्गजों ने भी वायरल किया और सुगंधा देवी को खासे लाइक मिले हैं। सामान्य गृहिणी के रूप में जीवन जी रही सुगंधा देवी के पति स्वर्गीय भगवती लाल गंधर्व प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं, साथ ही गंधर्व परिवार भी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। इसके चलते उन्हें परिवार में गायकी का माहौल मिला तो वह सामान्यतः घर पर ही गुनगुना कर अपना शौक पूरा कर रही थी। 5 अप्रैल को ही सुगंधा देवी के पोते त्रिलोक और उमेश ने दादी द्वारा गाए जा रहे एक गीत को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर फेसबुक पर वायरल कर दिया। सावन बुंदिया राजा फिर बिन लगे ना मोरजिया हो 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 बरसन लागे सावन बुंदिया राजा सुगंधा देवी का गीत जिसने भी फेसबुक पर सुना वह मंत्रमुग्ध हो गया। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने सुना तो उन्होंने अपने पीए के माध्यम से उमेश गंधर्व से संपर्क कर सुगंधा देवी से मिलने की इच्छा जाहिर की। दलेर मेहंदी ने भी कॉल करके उन्हें मिलने बुलाया। जाने माने पत्रकार रजत शर्मा ने फोटो पर कमेंट कर कहा कि बिना स्टूडियो और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इस तरह की मधुर आवाज पहले कभी नहीं सुनी। शंकर महादेवन ने भी इस वीडियो को सुनकर फेसबुक पर गीत को अपनी वॉल पर शेयर किया और सुगंधा देवी गंधर्व के बारे में जानने की जिज्ञासा जाहिर की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। जर्जर भोपाली सुनाएंगे अब आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो मौसम तो ऐसा झमाझम हो रही है भोपाल में, बता रहा हूँ। भोपाल में है ना अप्रैल में हो गई जुलाई और कल्याण भाई की हो गई सगाई, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, लेकिन इस मौसम के बीच में, ठंडे मौसम के बीच में गर्मी ऐसी बनी हुई है झमाझम। भाजपा का प्रत्याशी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, प्रज्ञा भारती का नाम चल लिया है। मैं बता रहा हूँ ये साध्वियाँ तो है ना दिग्विजय सिंह के पीछे पड़ी हैं, वहाँ भारती ने पहले हराया था इनको, अब ये प्रज्ञा भारती आ रही है, इनके नाम में भी भारती जुड़ा हुआ है। वो तो है ना दिग्विजय सिंह ने तय किया है कि अब ये भोपाल की यात्रा करेंगे पैदल। मैं कह रहा हूँ पाँव पाँव वाले भैया तो है ना शिवराज थे, अब ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा तो हो सकता है, बता रहा हूँ। हाँ, और एक कांग्रेस के नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू भैया, ये कॉमेडी है ना, कॉमेडी करते रहते हैं, बता रही हूँ इनको कॉमेडी जैसे ही लो। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, बता रही हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इंसान को इंसान समझो यार, हिंदू मुस्लिम क्यों करने में लगे हुए, हर आदमी यही कर रहा है। इनके कंट्रोल करो कुछ, तो कॉमेडी थोड़ी चलती है हर जगह।
और दूसरा मैं बता रही हूँ, आजकल ये नेताओं के है ना मुँह से खुल्ला करवाओ, इनके मुँह से ऐसी बदबू आ रही है, बता रही कुछ भी बके जा रहे हैं। ये आजम खान वहाँ बक रहे हैं ये प्रदा के बारे में, महिलाओं की इज्जत करो यार। और एक वो वहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, वो वहाँ पे हिमाचल में कुछ भी गाली गलौज कर रहे हैं बीजेपी के नेता हैं कोई, तो ये ऐसा नहीं चलता। वही एक खबर ये सुन लो भैया, आजकल फैमिली प्लानिंग बहुत चल रही है चुनाव में। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा है, ये पटना से खड़े हो गए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अब इन्होंने अपनी वाइफ को भेज दिया लखनऊ से, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बन गई। फैमिली प्लानिंग पे बहुत जोर है चुनाव में। हाँ, ये खबर इधर देखो, वेल्लोर में, वेल्लोर सीट पे है ना चुनाव कैंसिल हो गया है, वहाँ जो डीएमके के प्रत्याशी थे उनके पास 11.5 करोड़ केस मिले, बताओ। और मैं कह रहा हूँ ये पैसा वैसा को संभाल के रखो, चुनाव में इतना खर्चा होता है, बाहर दोबारा तुम्हारे लिए दोबारा चुनाव कराएंगे हैं, कुछ तो देश का ख्याल रखो भाई। इतना खर्चा होता है, इतना लोग जाते हैं ड्यूटी में, परेशान हो जाते हैं। और ये खबर और सुन लो, वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर हो गई भैया, और इसमें ऋषभ पंत का नाम आया नहीं, और गावस्कर साहब बड़े हैरान हैं, बता रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ देखो, टैलेंट इतना भरा पड़ा है इंडिया में, इतना टैलेंट हो गया, हर गली मोहल्ले में कोई टैलेंट निकल रहा है, हर गली मोहल्ले में क्रिकेट हो रही है, बता रहे हो, तो टैलेंट तो भरा पड़ा है। अब इस ऐसे में है ना सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है, अगली बार मौका आएगा, अभी तो तुम छोटे हो भैया। और मैं ऋषभ पंत को समझाने जा रही हूँ, बता रही हूँ। हाँ, मैं भी अपना टैलेंट दिखाऊंगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।